Hello to you all neat aspirants. So myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. I'm first year medical student at Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia. तो कैसे आप सभी? जैसे कि अभी आपका नीट एग्जाम आने वाला है एंड कुछ ही दिनों में आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा. सो आई थॉट टू शूट अ वीडियो रिगार्डिंग दिस कि आपका क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, आप क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. ऑल्दो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता होती है इन जनरल, बट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू थोरोली. सो यस, अभी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले एक दो, लाइक फिफ्थ को आपका एग्जाम है तो आप थर्ड या फोर्थ को सेंटर में जाके देख लेना कि कितना डिस्टेंस रहने वाला है, क्या ट्रैफिक कैसे रहने वाला है, सो दैट एट दी एंड ना हसल ना मचे. क्योंकि जब आप लास्ट लाइक फिफ्थ ऑफ मे को जाओगे और उस दिन ट्रैफिक वगैरह का कुछ सीन हो गया ना तो आपका ऑलरेडी मूड ख़राब हो जाएगा. और फिर एग्ज़ाम में ना जिस तरीके से आप प्रिपेयर होके जाओगे वो पूरी प्रिपरेशन एक थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है मेंटल स्टेट. सो आई सजेस्ट यू कि वो सब ना हो, इसलिए पहले से ही जाके देख लेना. सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट ड्रेस कोड. तो जो लड़के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बॉयज. तो आई विल सजेस्ट यू टू वेयर टी शर्ट्स एंड शर्ट्स विद हाफ स्लीव्स. फुल स्लीव्स अलाउ नहीं होता एंड राउंडेड नॉर्मली टी शर्ट्स आर द बेस्ट. एंड उसमें पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, शर्ट्स में भी पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए. देर शुड नॉट बी लाइक नथिंग रिटन ऑन द टी शर्ट्स, बट येस इफ सम ब्रांड इज देयर सो इट इज लाइक ओके, बट बहुत सारे ब्लॉक लेटर्स में लिखे हुए नहीं होने चाहिए. एंड पैंट्स में यू शुड वियर सिंपल लोअर विदाउट मच पॉकेट्स, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होने चाहिए. यू शुड टोटली अवॉइड कार्गोस, कार्गोस जींस बिल्कुल मत पहनना. एंड ये सारे प्रोटोकॉल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आपकी चेकिंग होती है उसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे पॉकेट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो ये इसलिए सारे प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं. सो यू कैन जस्ट नॉर्मली वेयर सिंपल टी शर्ट और शर्ट और सब पैंट्स और ट्राउजर, दैट्स ऑल. एंड वेयर कम्फर्टेबल क्लोथ्स जिसमें आप कम्फर्टेबली 3.5 घंटे बैठ सको. इवन ज़्यादा ही बैठना पड़ता है क्योंकि 1:30 बजे से वो हमारी एंट्री कर देते हैं, तो 4-5 घंटे आप कम्फर्टेबल होकर बैठ सको गर्मी में. ऐसे कपड़े पहनना, यू कैन इवन वेयर शॉर्ट्स एज वेल. फॉर शू स्लीपर्स, लाइक यू शुड वेयर स्लीपर्स, यू शुड नॉट वेयर शूज, अवॉइड शूज एंड चंकी शूज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना. सिंपल स्लीपर या सिंपल जो सैंडल्स होती है यू कैन वेयर दैट. एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट गर्ल्स. सो फॉर गर्ल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन वेयर टी शर्ट्स. एंड अगर आपके घर में टी शर्ट अलाउ नहीं है तो यू कैन वेयर सिंपल कुर्ता, बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन ये सब नहीं, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, किसी फंक्शन में नहीं जा रहे. प्लीज़ कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड कि आराम से नॉर्मल सिंपल कुर्ताज पहन के जा सकते हो. एंड आई थिंक वी कैन नॉट कैरी दुपट्टा एज वेल, सो वी कीप इट आउटसाइड. एंड फॉर बॉटम सिंपल सिंपल सा वी कैन वेयर एनी थिंग सिंपल लाइक ट्राउजर और समथिंग विच शुड बी सिंपल. मोटिव इज़ टू अवॉइड पॉकेट्स एंड कोई भी मेटल का वर्क नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिज़ाइंस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो मेटल डिटेक्टर में काउंट हो जाएंगे. एंड यू कैन नॉट मेक बन, यू शुड मेक अ पोनी और जस्ट ब्रेड, सो बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल. क्योंकि जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था तो एक गर्ल बन बना के आई थी और उसका बन निकलवा दिया था उन्होंने. सो ऐसे लास्ट टाइम में ना ये सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो और जो टिक टैक पिन्स वगैरह होती है, किसी भी तरीके की पिन होती है, वो सब नहीं लगाना. कोई ज्वेलरी वॉचेस लेकर नहीं जानी आपको, कोई रिंग कड़ा कुछ भी लेकर नहीं जाना, जस्ट सिंपल. सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो तो बाहर ही निकलवा देते, दैट्स वेरी कॉमन कि वी कैन नॉट कैरी ऑल दो स्टफ विद अस. सो प्लीज़ अवॉइड ऑल दिस थिंग ताकि लास्ट मिनट में कोई प्रॉब्लम ना हो. अब जैसे कुछ हमारे सिख पर्सन्स होते हैं, जो सिख हैं वो टर्बन बांधते हैं और उनके पास उनका ट्रेडिशनल कंघा होता है, टर्बन होता है, दैट दे कैन कैरी. लेकिन उसके लिए उन्हें पहले कस्टमाइज ड्रेस में लाइक जब आप नीट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है लाइक वेदर वी वांट टू वियर कस्टमाइज ड्रेस और नॉट. तो उसमें वो ऑप्शन टिक करना पड़ता है दैट येस वी वांट टू वियर आर कस्टमाइज ड्रेस. तो वो ऑप्शन टिक करने के बाद ही आप वो सारी चीज़ें पहन सकते हैं. लाइक इन मुस्लिम गर्ल्स, गर्ल्स वियर हिजाब एंड बुरखा. सो फॉर यू एज वेल आपको वही करना पड़ता है. तो आप तभी वो सारी चीज़ें पहन सकते हैं. एंड अगर आप टर्बन या बुरखा पहन रहे हैं तो आप आधा एक घंटे पहले जाइए सेंटर में और अपनी चेकिंग पहले करवाओ, क्योंकि वो सारा ओपन करवा के चेक करते हैं. दिस इज़ द थिंग. एंड फॉर गर्ल्स देयर इज़ मेन इंपॉर्टेंट टिप, प्लीज़ ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड एंड मेफ्टाल्स पास, सो दैट इन केस लाइक कोई भी ऐसे प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर वेदर योर मेंस्ट्रुअल डेज इज अवे और नॉट, बट स्टिल यू शुड कैरी एक्स्ट्रा नैपकिन एंड एक्स्ट्रा मेफ्टाल्स पास.
एंड क्या क्या लेके जाना है आपको? आपका एडमिट कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बिना तो आपकी एंट्री ही नहीं होगी। एक आधार कार्ड, कोई भी फोटो आईडी कार्ड, लेट सपोज आधार कार्ड, और दो फोटोज जो हमें उसमें फोटो चिपकाने के लिए होता है। बाकी कोई हमें स्टेशनरी लेकर नहीं जाना, पेन पेंसिल कुछ लेकर नहीं जाना, एग्जाम बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं। खाना पीना कुछ नहीं लेके जा सकते। वी कैन कैरी आर बॉटल, बट द बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट, मेटेलिक बॉटल नहीं होनी चाहिए। एंड जो डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज का इशू है, दे कैन कैरी लिटिल बिट फूड विद देम सो दैट दे कैन ईट इन बिटवीन एंड दे कैन कैरी देयर मेडिसिन। सो दैट्स ऑल, डू नॉट स्ट्रेस, आराम से एकदम टेंशन फ्री होकर एग्जाम दो और अपनी तरफ से ट्राई करो कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हट सके। फालतू में प्रॉब्लम्स लाके खुद के मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब मत करो। आराम से जितना भी पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।